तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम एक ऐसा अचीवमेंट करने जा रहे हैं जिसको भाई करते से भाई हमें 10 गोल्डन क्रेडिट मिलने वाली है और साथों साथ एक टाइटल भी मिलेगा। तो भाई अब वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई एक एक चीज आपको बारीकी से समझाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अचीवमेंट में आना है और यहाँ पे हमें एक टाइटल देखने को मिलेगा। सबसे नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे वेटरन करके, वेटरन जो भी नाम है इसका, वो वाला टाइटल देखने को मिलेगा जिसमें हमें 6 मिशन दिए गए हैं जिसमें से कि हमें 4 कंप्लीट करने। अब ये 6 कौन कौन से मिशन है चलो मैं बताता हूँ आप लोग। तो यार देखो, गन वाले सेक्शन में जैसे ऊपर आओगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ अचीवमेंट देखने को मिलेंगे जिसको आप कंप्लीट करोगे तो मिलेगा। देखो सबसे पहले पिस्टल मिस्ट्री लेवल 5 वाला आता है, फिर मिली वेपन वाला आता है मतलब मुक्कों से मारने वाला आता है, फिर उसके बाद AR से मारने वाला रहता है, फिर उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखना और मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे एक और देखने को मिल रहा है हमें SMG वाला, तो जैसे देखोगे यहाँ SMG वाला दिख रहा है, फिर एक शॉटगन वाला दिखेगा और फिर एक स्नाइपर वाला। तो जैसे इन 6 में से कोई से भी 4 आप कंप्लीट करते हो, तो ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये जो सबसे नीचे जो टाइटल बताया था मैंने, ये वेक्टरन वाला, ये वाला टाइटल आपको मिलेगा। और अगर 2 कंप्लीट करते हो तो आपको दूसरा अचीवमेंट मिलेगा जो कि वेयरहाउस करके आता है सबसे ऊपर। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने जब 2 कंप्लीट करा था तो मुझे ये वाला टाइटल मिला था जिसका नाम वेयरहाउस करके है। ये नीचे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वेयरहाउस वाला जिसमें 20 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप 2 कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपको एक वेयरहाउस वाला टाइटल मिलेगा। तो चलो यार फटाक से वो वेक्टरन वाला अचीवमेंट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो भाई मैं SMG में आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को 5 किल और करना है तो मेरा चौथा वाला जो काउंट हो जाएगा उसमें, मतलब हमें कोई से भी 6 में से 4 कंप्लीट करना है तो अगर मैं SMG वाला करूंगा तो मेरे को टाइटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को 5 ही किल करने। तो यहाँ पे मैं नुसा मैप खेल रहा था और यहाँ देखो सामने की साइड मेरे को एक बोर्ड दिखता है। क्या नुसा मैप में क्या है, बोर्ड और बंदे बहुत जल्दी दिख जाते क्योंकि छोटा सा मैप है ये। अब यहाँ पे इसको नॉक करते ही हाथों हाथ फिनिश भी कर देते हैं। अब इसको फिनिश कर देता हूँ लेकिन दूसरा बंदा मेरे को मार देता है, वो फिनिश भी कर देता। अब यहाँ पे मैं एक बार मर जाता हूँ, दूसरी बार रिवाइव होके आता हूँ और वापस से यहीं आके फाइट लेने लग जाता हूँ। अब दोबारा से जन्म लेने के बाद मैं निकल लेता हूँ बंदों के ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मैं गाड़ी लेके घूम ही रहा था कि तभी मेरे को सामने की साइड एक बंदे की झलक दिखी जिसको कि भाई मैं गाड़ी से आराम से कुचल देता हूँ और SMG से इसको फिनिश कर देता हूँ। अब इसको जैसे ही फिनिश करते हैं मैं बैठता हूँ गाड़ी में और निकल लेता हूँ आगे की तरफ क्योंकि मुझे और भी बंदे मारने हैं। अब वहाँ से सीधे मैं आ जाता हूँ इस तरफ और यहाँ पे एक बंदा बहुत ज़्यादा चालाक बन रहा था, बोर्ड फायर दे रहे को मेरे को बुला रहा था। मेरे को थोड़ी सी झलक दिखती है, मैं समझ जाता हूँ ये रियल बंदा है और देखना क्या मारता हूँ। अब बेचारे को जैसे ही नॉक करता हूँ ये सोचने लग जाता होगा कि मैंने अपने ही पेड़ों में कुल्हाड़ी मार ली। अब इसको फिनिश करने के बाद फटाक से इसकी पेटी लूटते और निकल लेते हैं आगे की तरफ बंदे मारने। अब मैं आगे जैसे ही आता हूँ यहाँ पे मेरे रनवे मतलब रैंडम टीममेट उनको कोई मार देता है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता शौक के अलावा। तो मैं फिर सोचता हूँ कि निकल लेता हूँ बोट मारने के लिए और तभी मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप आता है जो कि बोट रहता है। अब इसको जैसे ही फिनिश करते एक और बोट आ जाता है पीछे की साइड। अब जैसे इस बोट को फिनिश करते हैं यहाँ पे लगभग हमारे 5 किल हो गए लेकिन अभी भी मेरे को 1 किल का डाउट था जो कि मैंने गाड़ी से नोक किया था। तो मैं क्या करता हूँ इधर लूट ही ला था कि तभी इस घर में वापस से बंदे आ जाते हैं। वही एक बंदा आता है जो कि मेरे को बोट फायर देके बुलाता है। तो सबसे पहले तो मैं बम बाजू फेंकता हूँ, तभी खिड़की के पास एक बंदे की झलक दिखती है। अब भाई इसको जैसे ही नोक करा सीधे मैं घुस जाता हूँ रस करने और बस भाई तुम देखो क्या ही रिवाइविंग चल रही है। अब इस बंदे को फिर से मार के अपने दिल को शांति मिल जाती क्योंकि एक ही बंदा 2 बार मार खा जाता है। अब लास्ट वाला बंदा जस्ट मेरे घर के नीचे रहता, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा वेट करता हूँ, जैसे ही वो आता है थोड़ा सा डैमेज देने के बाद मैं सीधा कर देता हूँ उसके ऊपर रस। और भाई ये जो बंदा था ये इतना मुड़ के था ना कि भाई ये बंदा सीधे नीचे भाग जाता और ना कि भाई हील करता है, सीधे वापस से ऊपर आता है मेरे को मारने के लिए। लेकिन तुम्हारे भाई को हल्के में मत लेना, तुम्हारा भाई एकदम फाड़ू बंदा है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा चिकन डिनर और 8 किल हो गए। तो चलो यार फटाक से चलते अपनी लोबी की तरफ और देखते हमें जो हमारा अचीवमेंट और टाइटल है वो मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी लोबी की तरफ और थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही देखो भाई हमारा जो 50 अचीवमेंट पॉइंट और 10 गोल्डन क्रेट जो कि भाई हमें बहुत ईजी तरीके से मिल रही है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, SMG से पूरे 2000 किल करने और कुछ नहीं करना। तो चलो यार इसको फटाक से अपन कलेक्ट कर लेते हैं। तो 10 गोल्डन क्रेट मिल गई है, अब चलते अपने टाइटल की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टाइटल है वो भी कलेक्ट कर लिया हमने और 40 अचीवमेंट पॉइंट भी मिले हमें। और भाई यार अगर मैं शुरू से अचीवमेंट पे ध्यान देता ना और टाइटल पे, तो भाई अभी मेरे पास जितने कम टाइटल है ना इससे भी ज़्यादा टाइटल होते। लेकिन कोई ना भाई, अब जो भी नए इवेंट में टाइटल आई है वो तुम्हारा भाई करके रहेगा किसी भी हालत में। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारे पास बस इतने ही टाइटल है
वो तो हमने कुछ मिस कर दिया, नहीं तो बहुत सारे टाइटल हमें और भी मिल जाते। तो बस यार वीडियो इतनी थी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि भाई आपके पास ये वाला टाइटल था या नहीं था। अगर आपके पास था तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर नहीं है तो भाई अभी समय है, कर लो फटाक से।